स्वामी योगत्रयानंद जी। स्वामी जी सन्यासी नहीं थे, इन्होंने अपना सारा साधनामय जीवन गृहस्थ रहकर ही बिताया था। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग के गूढ़ तत्वों को इन्होंने इसी आश्रम में आयत किया था। योगत्रयानंद के नाम से उनकी प्रसिद्धि का यही रहस्य था। इस लोक प्रदत्त उपाधि के साथ इनकी साधक देह की संज्ञा शिवराम किंकर जुड़ी रहती थी। यह नाम इनका अपना रखा हुआ था, अवश्य गुरुदेव श्री शिवराम की अनुमति से। इसमें इनकी अगाध गुरुनिष्ठा निहित थी। गुरुदेव सन्यासी थे, उनके सर्वतोभावेन अनुगत होने के कारण तद्रूपता प्राप्त कर ये भी स्वामी हो गए। मेरे आध्यात्मिक जीवन के विकास में इनका अपूर्व योगदान रहा है। आर्य शास्त्र प्रदीप को पढ़कर किस प्रकार मेरे मन में इनके दर्शन की अभिलाषा जागी और कितने वर्षों की निरंतर खोज के बाद इनके चरणों तक मैं पहुंच सका। इनके विषय में जितनी बातें उल्लेख योग्य हैं, उनमें से कुछ नीचे दे रहा हूं। शिवराम किंकर महाशय का जन्म हावड़ा जिले के बाली ग्राम में फाल्गुन शुक्ला द्वितीय रविवार 1266 बंगाब्द यानी 1860 ईस्वी में हुआ था। यह स्थान बराहनगर के पश्चिम गंगा तीर पर है। ये श्री राम जीवन सान्याल और विश्वेश्वरी देवी के पुत्रों शशिभूषण, देवेंद्रनाथ और राजेंद्रनाथ में सबसे बड़े थे। इनकी पद्मावती और भुवन मोहिनी दो बहनें भी थी। इनके छोटे भाई देवेंद्रनाथ ने बाल्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और पीछे ब्रह्मचारी रामेश्वरानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पिता ने विद्यारंभ संस्कार के पश्चात स्थानीय प्रारंभिक पाठशाला में इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। साल भर स्कूल आते जाते रहे। प्रथम भाग की क्रमशः 30 पुस्तकें नष्ट करके भी ये वर्ण परिचय प्राप्त न कर सके। एक दिन पिता ने पास बुलाकर इनसे अनशन शब्द लिखने को कहा। ये मूक होकर बैठ गए। पुत्र की इस मूर्खता पर क्रुद्ध होकर उन्होंने एक थप्पड़ मारा। शशिभूषण ग्लानी से गड़ गए। इनकी आंखों से प्रवाहित अश्रुधारा के साथ सारी जड़ता बह गई। इनके ज्ञान नेत्र खुल गए। पढ़ाई में मन लगाने लगे। स्कूल न जाकर घर पर ही अध्ययन करने लगे। थोड़े ही दिनों में इन्होंने बंगला तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये 12 वर्ष के थे, बाली ग्राम में शिवराम नाम के एक सन्यासी आए। इनके अद्भुत प्रतिभा और संस्कार संपन्न व्यक्तित्व के प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा दे दी। कुछ दिन वहां निवास करके इन्हें साधना पथ का निर्देश किया, फिर चले गए। विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन इनके घर में कोई बीमार पड़ा। ये उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फीस और दवा के रुपए मांगे। इनके पास एक पैसा भी नहीं था। उसने दवा नहीं दी, रोगी को देखा भी नहीं। घर लौटने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का इनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने उसी समय डॉक्टरी सीखने का संकल्प किया। आयुर्वेद की एक पुस्तक कहीं से ले आए और उसे देखकर जड़ी बूटी इकट्ठा कर घर पर ही दवा बनाने लगे। इस काम में इनका मन इतना लग गया कि रात दिन आयुर्वेद ग्रंथों के अध्ययन और दवा बनाने में व्यस्त रहने लगे। इसके फलस्वरूप कुछ ही समय में ये आयुर्वेद में निष्णात हो गए। चारों ओर एक कुशल वैद्य के रूप में इनकी प्रसिद्धि हो गई। असाध्य रोगों से पीड़ित आर्त लोग इन्हें सदैव घेरे रहते थे। संयोगवश एक दिन जिस डॉक्टर ने इनका तिरस्कार किया था, वही मृत्यु सैया पर पड़े हुए अपने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए इन्हें बुलाने के लिए आया। इन्होंने जाकर उसके पुत्र को देखा, निःशुल्क दवा दी, वह अच्छा हो गया। इसके बाद इन्होंने बायोकेमिक, होम्योपैथिक
तथा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का भी अनुशीलन किया। शल्य चिकित्सा सीखने के लिए 6 मील पैदल चलकर ये नित्य कलकत्ता के कैंपवेल हॉस्पिटल जाते थे। इस प्रकार अनवरत स्वाध्याय एवं कठिन परिश्रम के द्वारा उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में असामान्य दक्षता प्राप्त कर ली और इस रूप में ये बराह नगर में ही नहीं कलकत्ता में भी बहुधा विख्यात हो गए। एक बार कलकत्ता के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी के पिता किसी भीषण रोग से आक्रांत होकर बेहोश हो गए। इस स्थिति में वे 3 महीने तक पड़े रहे। रोग के निदान के लिए उनके घर पर नित्य मेडिकल बोर्ड बैठता था। जब वो किसी प्रकार काबू में न लाया जा सका तो सर्वाधिकारी महाशय शिवराम किंकर जी के पास बराह नगर गए और उनसे चलकर अपने पिता को देखने की प्रार्थना की। इन्होंने कहा, आपके यहां एलोपैथी के धुरंधर चिकित्सक हैं, उनके रहते जो रोग दूर न किया जा सका उसे मैं कैसे हटा सकूंगा। सर्वाधिकारी जी बोले, आप चले, अब रोगी की स्थिति उन लोगों के वश से बाहर है। शिवराम जी ने उनका अनुरोध टाला नहीं, आगे की तिथि निश्चय कर दी। ये नियत समय पर सर्वाधिकारी जी के घर पहुंचे। उस समय वहां 5 अंग्रेज डॉक्टर बैठे हुए थे। सर्वाधिकारी जी से इनके आने का समाचार पाकर उन लोगों ने कहा, रोगी की हालत बहुत नाजुक है, इस स्थिति में उसे नीम हकीम को सौंपना ठीक नहीं है। सर्वाधिकारी महाशय को इनकी दक्षता पर अगाध विश्वास था, इसलिए उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। शिवराम किंकर जी ने उन्हें अलग बुलाकर कहा, जिस समय मैं रोगी को देखूंगा उस समय तुमको छोड़कर वहां और कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। सर्वाधिकारी जी ने वैसी व्यवस्था कर ली और फिर इन्हें पिता के कमरे में ले गए। इन्होंने जो ही रोगी के मस्तक पर हाथ रखा उसने आंखें खोल दी और बोला, यह कौन है सुरेश बाबू, यह कौन है। सुरेश बाबू ने कहा, यह वही है जिन्होंने मेरे बहन की चिकित्सा की थी, इन्होंने तो उसे प्राणदान दिया था। उस समय शिवराम किंकर जी के पास स्टेथिस्कोप नहीं था, अतः इन्होंने उनकी छाती पर हाथ रखकर ही श्वास प्रक्रिया की परीक्षा करके बताया, इनके दाहिने फेफड़े में रुपए के बराबर रंध्र हो गया है। यह संज्ञा शून्यता उसी का परिणाम है। सुरेश बाबू ने कहा, आपको ही इसका इलाज करना होगा। ये बोले, इनकी आयु मात्र 3 महीने शेष है। सुरेश बाबू के अनुरोध से इन्होंने चिकित्सा की और 15 दिनों के भीतर ही उनके पिता चलने फिरने लगे। इसके बाद एक बार सुरेश बाबू ने अपने भाई देव प्रसाद सर्वाधिकारी, जो बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने, के साथ बराहनगर जाकर शिवराम किंकर जी से कहा, हम लोग वायु परिवर्तन के लिए पिताजी को मधुपुर भेजना चाहते हैं, इसके लिए आपकी स्वीकृति लेने आए हैं। इनकी इच्छा नहीं थी कि उन्हें बाहर भेजने की अनुमति दे, किंतु उन लोगों के अनुरोध पर स्वीकृति दे दी। साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि उनकी नित्य खबर लेते रहना। मधुपुर में उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर गया। वे नियमित रूप से प्रातः 1 मील टहलने जाने लगे, किंतु भावी होकर ही रही। शिवराम किंकर जी के कथनानुसार जिस दिन 3 महीने पूरे हुए वायु सेवन के बाद घर लौटते हुए रास्ते में एक ठोकर लगने से वे गिर पड़े। खून की उल्टी हुई और इसके पहले कि उनके दोनों पुत्र कलकत्ता से मधुपुर पहुंच सके उन्होंने शरीर त्याग दिया। शिवराम किंकर महाशय चिकित्सा के साथ घर पर कुछ विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने का भी कार्य करते थे। इनके पास 2 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने आते थे। ये यदा कदा आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे, वह इनकी समझ में नहीं आती थी। इसके लिए
इन्हें बहुत खेद हुआ। अर्थाभाव के कारण किसी अंग्रेजी शिक्षक को रखकर अध्ययन करना इनके पहुंच के बाहर था। इन्होंने बिना किसी की सहायता के स्वयं ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। पहली किताब मंगाई, अंग्रेजी वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया, देख देख कर लिखने का अभ्यास किया। शब्द ज्ञान होने पर एक निकटवर्ती जमींदार के पुस्तकालय में जाकर अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ने लगे। अंग्रेजी उपन्यासों में इनका इतना मन लग गया कि भोजन करने के बाद सारा समय पुस्तकालय में बैठकर इसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने में बिताने लगे। केवल भोजन करने के लिए घर जाते थे। एक दिन संध्या समय ये उसी पुस्तकालय में बैठे हुए कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहे थे। उसी समय एक सन्यासी उनके घर आए और इनका नाम लेकर पुकारा। घर वालों के बताने पर वे इन्हें ढूंढते ढूंढते पुस्तकालय पहुंचे। चपरासी ने इन्हें उनके आने की सूचना दी। बाहर आकर इन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उनके दिव्य तेजोमय मुखमंडल को देखकर ये अभिभूत हो गए। स्वामी जी संस्कृत में इनको फटकारते हुए बोले, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ब्राह्मण के बालक होकर संध्या समय अंग्रेजी उपन्यास पढ़ते हो? तुम भूल गए हो कि किसके शिष्य हो? मैं स्वामी शिवराम का प्रथम शिष्य हूं। जिस समय गुरुदेव का देहांत तुम्हारे घर पर हुआ था, मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था। मैं तुम्हें जानता नहीं था। गुरुजी की आत्मा से मुझे यह संदेश मिला कि बराह नगर के निकट बालीग्राम में मैंने एक शिष्य बनाया है। वह अभी बालक है, तुम उसे देखना। मैं इसलिए आया हूं। जाओ अभी गंगा स्नान करके प्रायश्चित करो। अब से नित्य संध्या वंदना आदि करके नियम पूर्वक गायत्री जप करना ना भूलना। इतना कहकर वे इन्हें साथ लेकर इनके घर आए। शिवराम किंकर के जीवन में इसी समय से अद्भुत परिवर्तन हो गया। इनकी जीवन धारा बदल गई। उक्त स्वामी जी एक दो दिन रहकर काशी चले गए। इन्हें नवीन दृष्टि प्रदान करने वाले ये महापुरुष स्वामी चिदगनानंद थे। घर पर कुछ दिनों तक साधन तथा स्वाध्याय में निरत रहने के बाद शिवराम किंकर जी बीमार माता को लेकर काशी चले आए और वहां अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी चिदगनानंद से वेदांत पढ़ने लगे। चिदगनानंद जी के आश्रम में सन्यासी लोग भी आकर उनसे पाठ लेते थे। शास्त्राध्ययन के समय चिदगनानंद जी शिवराम किंकर को अपने सामने बैठाते थे और दृष्टि उन्हीं की ओर रखते थे। सन्यासी लोग पाठ सुनते मात्र थे। रात्रि में वे इन्हें योग की शिक्षा देते थे। स्वामी जी इन्हें गृहस्थ रूप में नहीं देखते थे, यद्यपि उस समय भी ये गृहस्थ आश्रमी थे। शिवराम किंकर जी गणेश मुहाल में रहते थे, साथ में इनकी माताजी भी थी। ये अध्ययन के साथ चिकित्सा भी करते थे। इस प्रकार 1889 ईस्वी के सितंबर महीने तक ये स्वामी जी के सानिध्य में रहे। इसी वर्ष इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात ये बराह नगर लौट गए। चिदगनानंद जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। कई महीने पर्यटन करके वे माघ में प्रयाग पहुंचे और गंगा तट पर एक पर्ण कुटी में रहने लगे। यहां वे पेचिस से पीड़ित हुए। कुछ दिन रुग्ण रहने के बाद 1890 ईस्वी के माघ मास में भीमाष्टमी को उन्होंने आसनबद्ध मुद्रा में संयम में प्रवेश कर जल समाधि प्राप्त की। इसके पूर्व उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति से शिवराम किंकर जी को तार देकर बंग देश से बुलाने को कहा था और अपना पुस्तकालय उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु उसकी व्यवस्था ना हो पाई। काशी से बराह नगर जाने पर पहले कुछ दिनों तक ही अपने ससुर के घर ठहरे। उसके बाद एक किराया का मकान ले लिया और उसी में सपरिवार रहने लगे। अर्थागम का कोई स्रोत न रहने से यह समय
सारे परिवार के लिए बहुत कष्टकर था। दिन में तो कभी भोजन बनता ही नहीं था। रात में यदि कहीं से कुछ आ जाता तो उसे बच्चों के लिए प्रबंध कर देते, स्वयं दो बाजते, एक केला और गुड़ खाकर सो जाते। शास्त्राध्ययन, साधना और अध्यापन में ये किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ने देते थे। स्वामी अभेदानंद नियमित रूप से उनके पास वेदांत पढ़ने आते थे। अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्म विद्या के गूढ़ तत्वों का मर्म समझने के लिए इनकी सेवा में प्रायः उपस्थित होते थे। प्रेमदास मित्र का शिव प्रेरित बीमाकृत 30 रुपए सहित लिफाफा इसी स्थिति में प्राप्त हुआ। इनके आजीवन सेवक सतीश चंद्रपाल पहले पहल इसी मकान में इनसे आकर मिले थे। बाबा जी का मुख्य ग्रंथ आर्य शास्त्र प्रदीप यही लिखा गया था। सतीश चंद्रपाल योगत्रयानंद जी के एकांत सेवक थे। इनका जीवन बहुत अद्भुत है। मैं जब बाबा जी से घनिष्ठ रूपेण परिचित हो गया था, इनका मधुर व्यवहार देखकर मुग्ध हो जाता था। बाबा जी के साथ ये छाया की भांति लगे रहते थे। उनके आदेश से ये योगियों के पास औषधियां भी पहुंचाते थे। इनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का इतिहास बहुत ही अद्भुत है। एक दिन इनके गांव में यात्रीगण द्वारा प्रहलाद चरित नाटक अभिनीत हो रहा था। ये उसे देखने गए। उसका इनके चित्त पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने उसी दिन घर छोड़ दिया और हरि नाम लेकर भजन करने लगे। कुछ दिनों तक साधु सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद के मठ वेलूर में भी रहे। अंत में ये शिवराम किंकर के पास आ गए और फिर जीवनांत तक इन्हीं के साथ रहे। परानगर से बाली के जमींदार राजेंद्र लाल सान्याल इन्हें 700 परिवार कलकत्ता ले गए। वहां कई वर्ष रहे। फिर महेंद्रदास नामक एक ठेकेदार की प्रेरणा से ये 1906 ईस्वी में काशी चले आए। यहां उन्होंने सोनारपुरा में एक मकान किराए पर लेकर इनको टिकाया। इसी समय बंबई के प्रसिद्ध वकील भाई शंकर काशी आए। योगत्रयानंद जी से वेदांत विषय पर इनकी देर तक अंग्रेजी में बातचीत हुई। वे इनके मौलिक विचारों को सुनकर मुग्ध हो गए। देह त्याग के पूर्व इन्होंने जो वसीयत लिखी उसमें स्वामी जी के नाम कई हजार रुपए देने की व्यवस्था थी। उनके मरणोपरांत वे रुपए इनके पास आए। स्वामी जी ने वह सारा धन आर्त व्यक्तियों को कन्यादान अथवा ऋण मुक्ति के लिए बांट दिया। इनका प्रथम दर्शन मैंने सतीश चंद्र सान्याल के साथ इसी सोनारपुरा वाले कमरे में किया था। इसी प्रकार में इनके पिताजी निमोनिया से पीड़ित हुए। इस समय उनकी अवस्था 72 वर्ष की थी। योगदयानंद जी ने उनकी स्थिति देखकर जान लिया कि अब अंत समय है। समस्त कुटुंब जुट गया। इन्होंने उनके सारे शरीर में चंदन से राम राम लिखा। फिर उनके सम्मुख समाधि मुद्रा में बैठ गए। थोड़ी देर बाद इनके दोनों हाथ ऊपर उठे। उसी समय पिताजी का प्राणवायु ब्रह्मतालु से निकला। बाद में जब इनसे पूछा गया कि आपने हाथ ऊपर क्यों उठाया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने पिताजी के देह में प्रवेश करके उनका प्राणवायु ब्रह्मतालु से निकलवाया है। यदि पिता की इतनी भी सेवा ना करता तो मेरे पुत्रत्व से उन्हें लाभ ही क्या होता। इस घटना का विवरण मुझे इनके दौहित्र श्री श्रुति प्राण भट्टाचार्य ने बताया था। 1920 ईस्वी में योगत्रयानंद जी सोनारपुरा छोड़कर भदैनी चले गए। कश्मीर नरेश महाराजा प्रताप सिंह यही इनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए थे। जिन दिनों ये भदैनी में निवास कर रहे थे, कालीपद मुखोपाध्याय नामक एक शिष्य ने इनके निवास के लिए राजघाट पर एक मकान निर्मित कराया और इन्हें बड़े आदर के साथ ले जाकर वहां ठहरा दिया। इन्होंने इनकी सेवा के लिए 100 रुपए मासिक का बंधान कर दिया।
स्वामी जी इसी मकान में अपने तीन पुत्रों विभूति भूषण, फणी भूषण और इंदु भूषण के साथ रहने लगे। राजा मोतीचंद योग त्रयानंद पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक दिन उनकी पत्नी स्वामी जी के दर्शन के लिए आई। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद जब वे जाने लगी तो चुपके से एक लिफाफे में 1,000 रुपये के नोट बाबा जी के आसन के नीचे रख दिए। वे अभी पालकी पर नहीं बैठी थी कि स्वामी जी को इसका पता चल गया। उन्होंने तत्काल एक सेवक द्वारा रानी साहिबा को वापस बुलाकर उनसे पूछा, यह रुपया आपने कैसे रख दिया? रानी साहिबा ने कहा, मैं आपकी लड़की हूं, बच्चों के लिए ले आई थी। स्वामी जी ने कहा, अभी इसे अपने पास रखे रहो, बच्चों को जब आवश्यकता होगी चला आएगा। यह कहते हुए उन्होंने लिफाफा रानी साहिबा को लौटा दिया। रानी साहिबा को भय था कि प्रतिवाद करने से स्वामी जी क्रोध हो जाएंगे, इसलिए चिंतित मन से उसे रख लिया। उस समय स्वामी जी का मध्यम पुत्र फणीभूषण वहां उपस्थित था। उसकी आदतें ठीक नहीं थी, प्रायः बाबा जी के नाम पर उनके कृपापात्र सेवकों से रुपया उधार लाकर नाना व्यसनों में व्यय किया करता था। 10-15 दिन बीतने पर वह राजा मोतीचंद की कोठी पर गया और रानी साहिबा से कहला भेजा कि बाबा ने रुपए मांगे हैं। रानी साहिबा ने उसे तत्काल 1,000 रुपए दे दिया। इसके कई महीने बाद राजा साहब के एक कर्मचारी द्वारा स्वामी जी को इसका पता चला। वे पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब काशी में रहूंगा तो इसी प्रकार हमारे परिचितों से रुपया लेकर वह मुझे बदनाम कर देगा। उन्होंने तत्काल काशी छोड़ देने का निश्चय किया। यह घटना 1920 ईस्वी के अक्टूबर की है। काशी से अंतिम विदा लेकर ये इसी महीने कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में राधिका प्रसाद राय ने इनके निवास भोजनादि का पूरा प्रबंध कर दिया, किंतु वहां के जनसंकुल अशांत वातावरण में इनका मन नहीं लगा। इनके एक शिष्य मुजफ्फरपुर के वकील बाबू नगेंद्रनाथ चौधरी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उत्तरपाड़ा में गंगा तट पर इनके रहने के लिए एक किराए का मकान ठीक कर दिया। ये परिवार सहित वहां चले गए। अपने जीवन के 30 वर्ष स्वामी जी ने यहीं बिताए। अंतिम दिनों में कुछ समय तक इनके शिष्य यतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने नियमित रूप से स्वामी जी के परिवार का व्यवहार वहन किया। देहांत के पूर्व स्वामी जी ने आतुर संन्यास ले लिया था। इसी स्थान पर 15 आश्विन 1336 बंगाब्द यानी 1929 ईस्वी में प्रायोपवेश के द्वारा योग त्रयानंद महाशय ने अपनी ऐहिक लीला संवरण की। शिवराम किंकर महाशय भगवान के अनुगत अनन्य भक्त थे। व्यवहारिक जीवन में इन्हें जैसे आवश्यकता अनुसार अपेक्षित वस्तु यथा समय अयाचित प्राप्त हो जाती थी, तत्व ज्ञान के संबंध में भी यही स्थिति थी। इनके जीवन के निम्नांकित घटना से यह स्पष्ट हो जाएगा। पाणिनि व्याकरण पर पतंजलिकृत महाभाष्य पढ़ने की इनकी बलवती इच्छा थी, किंतु उस समय बंग देश में पाणिनि व्याकरण का प्रचार अधिक नहीं था, अतः महाभाष्य पढ़ाने योग्य पंडित बिरले ही मिलते थे। इस विषय के 2 विद्वान सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, पंडित तारानाथ तर्क वाचस्पति और महामहोपाध्याय पंडित गोविंद शास्त्री। शास्त्री जी वाराणसी संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक पंडित दामोदर शास्त्री के भाई थे। शिवराम किंकर जी उनसे पढ़ना चाहते थे, यही भाव लेकर ये उनके पास चले गए और पढ़ाने की प्रार्थना की। उस समय उनके पास कॉलेज के कई विद्यार्थी बैठे हुए थे, अतः इनसे कहा, आज नहीं होगा, किसी दूसरे दिन आना। जब ये दूसरे दिन गए तब भी उन्हें पढ़ाने का अवकाश नहीं था। तीसरे दिन बुलाया, फिर भी समय न दे सके। इसका कारण यह था कि
वे बाहर के विद्यार्थियों को पढ़ाने में यह सोचकर रुचि कम लेते थे कि इससे प्राध्यापक का गौरव नहीं बढ़ता। तीसरे दिन कोरा उत्तर पाकर शिवराम किंकर जी हताश हो गए। चलते समय उन्होंने शास्त्री जी का पैर पकड़कर अत्यंत दीन भाव से निवेदन किया, अवश्य थोड़ा समय दीजिए, कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं है। किंतु शास्त्री जी पसीजने के स्थान पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने पैर झटक कर कहा, यहां से चले जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। शास्त्री जी के इस प्रकार के व्यवहार से शिवराम किंकर मर्माहत हो गए। मैं तो इनके पास केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया था, किसी लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। इस पर इन्होंने हमारा इतना अपमान किया, यह सोचकर ये बहुत दुखी हुए। इन्होंने वही संकल्प किया, अब मैं किसी मनुष्य के पास ज्ञानार्जन के लिए नहीं जाऊंगा। इस घटना से चित्त में बहुत निर्वेद रहा, घर जाकर भोजन नहीं किया, रात भर नींद नहीं आई। मन में बार बार विचार उठता रहा कि मैं अभागा हूं, जिज्ञासु हूं, किंतु ज्ञान का देने वाला नहीं हूं। यह सोचते इनकी आंखें झपकने लगी। रात में 2 बजे के लगभग अकस्मात इन्हें झटका लगा। देखा कमरे में दिव्य आलोक का प्रकाश हो रहा है। सामने शून्य में एक महापुरुष खड़े दिखाई दिए, जटाधारी, वृद्ध शरीर, निलंबित समश्रु, करुण नेत्र। समागत महापुरुष ने बहुत करुणा भाव से शिवराम किंकर जी से पूछा, तुमने आज भोजन नहीं किया, ऐसे ही पड़े रहे? ये बोली, महात्मन, मेरे मन में अत्यंत कष्ट है। इसके साथ उन्होंने शास्त्री जी द्वारा किए गए तिरस्कार का वृतांत रो रोकर कह सुनाया। मैंने उनसे कोई अर्थ याचना नहीं की, केवल ज्ञान भिक्षा की, वह भी नहीं मिली, उल्टे घोर उपेक्षा सहनी पड़ी। महापुरुष ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, किसी ने तुमको महाभाष्य से नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, मैं पढ़ाऊंगा, मैंने ही उसकी रचना की है, क्या पढ़ा नहीं सकता। यह सुनकर शिवराम किंकर महाशय गदगद हो गए और महापुरुष से पढ़ने के लिए महाभाष्य की प्रति सामने रख दी। इसके बाद महापुरुष ने क्या पढ़ाया इसका उन्हें पता नहीं, किंतु कुछ देर तक पढ़ाया ऐसा उन्हें आभास हुआ। महापुरुष अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात जब इन्हें लौकिक चेतना प्राप्त हुई तो तब उनका स्मरण कर रोने लगे। कृतज्ञता से इनका हृदय भर गया। इस दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल जब इन्होंने पढ़ने के उद्देश्य से महाभाष्य खोला तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ इनका पढ़ा हुआ है। समग्र महाभाष्य ज्ञान गोचर हो गया। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्य शास्त्र प्रदीप में इन्होंने पतंजलि के व्याख्यान का किसी किसी स्थान में उल्लेख किया है। विशेष रूप से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का रहस्य समझाने के विषय में प्रवृत्ति लक्षण और संसत्यान लक्षण का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार योग त्रयानंद जी ने मुझे एक दूसरी घटना बताई थी, जिसमें एक बार शिवरात्रि महापर्व की रात्रि में इन्होंने गौतम ऋषि से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। यह सब विषय साधारण मनुष्य धारणा के अयोग्य है, परंतु सत्य है। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।